इस पृथ्वी पर भारत भूमि एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसको चाहे भूतकाल का कोई शासक रहा हो या वर्तमान का कोई राजा, इस भूमि को हासिल करने की चाहत रखता है। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिटिश काल में, जब भारत भूमि को अपना बनाए रखने के लिए यहाँ को लोगों को तोड़ना ब्रिटिश हुकूमत की ज़रूरत बन गई थी। ऐसे में बहुत ही चालाकी से कर्नल टोड ने यहाँ के लोगों को एक ऐसा तमगा पकड़ाया, एक ऐसा प्रशस्ति पत्र पकड़ाया, जिसको लेकर आज भी यहाँ के निवासी, जो लगभग सभी के सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, फिर भी वो एक दूसरे को एक दूसरे से बड़ा छोटा समझते हैं। ये चाल कर्नल टोड की थी, जिसको एक कथित रिसर्च के तौर पर कर्नल टोड ने यहाँ के जातियों का इतिहास लिख दिया। आज सरगरा जाति के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उस रिसर्च के असलियत को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए कर्नल टोड द्वारा रचित जातियों के इतिहास के उस पुस्तक में से कुछ बिंदुओं को लेते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस वक्त भारत की स्थिति और कर्नल टोड के रिसर्च में कितना अंतर था, क्योंकि कर्नल टोड ने रिसर्च के दौरान वो सारी बातें लिखी जो ब्रिटिश हुकूमत के फायदे के लिए थीं, जबकि भारत भूमि पर जो परंपराएं, जो संस्कृति या जो भी सभ्यता पनप रही थी वो भारतीयों के हित के लिए थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीजें हमारे पुस्तकों शास्त्रों में लिखा गया उसको कर्नल टोड ने इतना तोड़ा मरोड़ा और इतना दूषित किया कि आज तक हम भारतीय यह बात स्वयं भी नहीं समझ पाए कि हमारे विभाजन की ये प्रक्रिया ब्रिटिश काल में बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी। तो चलिए हम उन तीन बिंदुओं को पहले चेक करते हैं जिसको कुप्रथा के तौर पर कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो कर्नल टोड की पुस्तक से पहली कुप्रथा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस पर विचार करेंगे कि कर्नल टोड ने जो अपनी पुस्तक में लिखा क्या वो सही था या गलत। तो बाल विवाह एक ऐसी परंपरा लिखी गई कर्नल टोड की पुस्तक में, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय अपने जीवन में विवाह बचपन में ही करते हैं और इससे होने वाले नुकसानों को कर्नल टोड ने खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। लेकिन असल में क्या ये बात सच है और क्या असल में कर्नल टोड भारतीय विवाह की परिभाषा से परिचित थे? असल में दोस्तों, हमारे भारत में सबसे पहले जिस तरह आज पाश्चात्य देशों ने सबसे पहले इंगेजमेंट और उसके बाद लिव इन फिर मैरिज, ऐसा आज पश्चिमी देश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत इस संस्कृति, इस सभ्यता को शुरुआत से ही फॉलो कर रहा था। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक बार तिलकोत्सव, विवाहोत्सव और फिर गौनाउत्सव का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ है कि हम अपनी विवाह प्रक्रिया को कई वर्षों में पूरी करते थे। इस बात को कर्नल टोड ना समझ पाए और यह समझ भी पाए तो हमको बांटे रखने के लिए और हमारी संस्कृति को कुप्रथा बताने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। अगली कुप्रथा पर चर्चा करते हैं जो कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा था, वो था कि भारत में बाल श्रम होता है, यानी कि हम चाइल्ड लेबर कराते हैं। हमारे पास ये कुप्रथा है कि हम अपने बच्चों से काम करवाते हैं, लेकिन असल में कर्नल टोड ने यह नहीं लिखा कि उस समय भारत में जो युवा वर्ग था, या तो उसको जेल में डाल दिया गया था, या उसको फांसी दे दी गई थी, या फिर उससे पहले जब मुगल काल था तो वहाँ के लोगों की हत्याएं की गई थी। इस वजह से अपने परिवार को चलाने के लिए हम भारतीय या हमारे बच्चे मजबूर थे कि वो दो रोटी के लिए अपने कुछ कार्यों को या अपने खेतों में कार्य करें या फिर कहीं जाकर काम करें, तो ऐसा वो ना कर पाए इसलिए कर्नल टोड ने उस समय चाइल्ड लेबर एक्ट का यूज करते हुए हम भारतीयों को
कमजोर करने के लिए अपनी पुस्तक में एक और कुप्रथा लिखी जिसको चाइल्ड लेबर या बाल श्रम कहा जाता था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कर्नाटोर ने छिपाई। अगली कुप्रथा जो भारतीयों के संदर्भ में कर्नाटोर ने अपनी पुस्तक में लिखी वो ये थी कि भारतीय सती प्रथा का परंपरा का निर्वाहन करते थे, जबकि कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में यह नहीं बताया कि इस सती प्रथा का प्रारंभ आखिर कैसे हुआ था। कर्नल टोड ने यह नहीं बताया कि भारत में इस्लामिक स्टेट के आने के बाद जब भारत में मुगल कालीन समय रहा तो उस समय आक्रांताओं ने यहाँ के स्त्रियों को मजबूर किया कि वो सती होने के लिए आगे आए, और इस प्रथा को एक कुप्रथा के रूप में कर्नल टोड ने बड़ी ही चतुराई से प्रस्तुत कर दिया, जबकि हमारे स्त्रियों ने अपने मान हानि से बचने के लिए इस प्रथा को अपने गले से लगाया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चैनल होस्ट वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सरगरा जाति के इतिहास के कुछ ऐसे 10 प्रमाणों की चर्चा करेंगे जिसको ना आज तक आपके सामने किसी ने प्रस्तुत किया है और ना ही आपको उन प्रमाणों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध रही है। दोस्तों, इस जानकारी को हमें गुजरात से लाने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है, इसलिए अगर अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आगे इस चैनल पर इस सरगना जात के 10 प्रमाणों की ऐसी विवेचना करेंगे जो शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर यह समझना है कि जिस पैटर्न में हमें जाति व्यवस्था भारत में आज दिखाई पड़ रही है वो जाति व्यवस्था का पैटर्न असल में कर्नाटोर की एक रिसर्च की बुक से लिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही समझाने का प्रयास किया कि कर्नाटोर की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा गया वो उस समय की सिनेरियो को विस्तार रूप से बताकर नहीं लिखा गया है। इसका अर्थ है कि कर्नाटोर ने अपने लालच और अपने ब्रिटिश हुकूमत को स्ट्रगल करने के लिए अपने रिसर्च को उसी वे में प्रस्तुत किया जिस वे में उनको प्रस्तुत करने से ब्रिटिश हुकूमत को फायदा मिल सकता था। तो आप ये समझ चुके होंगे या आप जो सरगरा वंशज हैं, जो इतिहास को जानते हैं, वो उनका अपना असली इतिहास नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे प्राचीन प्रमाण दूंगा सन 1821 से लेकर के जो सरगरा समाज को क्षत्रिय होने का पुख्ता प्रमाणित करते रहेंगे। दोस्तों, सरगरा जाति के इतिहास के प्रमाणों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप देखें तो आज के सिनेरियो में यदि कोई वीवीआईपी व्यक्ति होता है या कोई वीवीआईपी व्यक्तित्व होता है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को अगर आप ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि उनके चारों तरफ जेड सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था होती है। किसी भी देश में अपने यहाँ जेड सिक्योरिटी जेड प्लस कहा जाता है, किसी अन्य देश में उसको कोई और नाम दिया जाता होगा। इस प्रकार जो बेहतरीन सुरक्षा कर्मी होते हैं वो किसी वीवीआईपी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए जाते हैं, और कई तरह के सुरक्षा घेरे में आज के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री परवाह करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचे कि जो पहले राजा महाराजा महलों में रहा करते थे तो क्या वो ऐसे लोगों के साथ महलों में रहते थे जो कमजोर रहे हो, जो आपको लगता है कायर रहे हो, ऐसे लोग महलों में रहते होंगे या ऐसे लोग महलों में काम करते होंगे? अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा कि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो ना सिर्फ आज के डेट में भी वीवीआईपी को सुरक्षा मुहैया कराते हैं बल्कि उनके खान पान से लेकर उनके मनोरंजन की भी सारी व्यवस्था जेड सिक्योरिटी के जो कमांडोज होते हैं उनका जो ढंग होता है वो तय करता है कि आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारे प्रोटोकॉल आज वही सिक्योरिटी सिस्टम करती है। तो जब हमको सरगरा जाति के बारे में बताया जाता है कि ये महलों में रहा करते थे और वहाँ सेवादार हुआ करते थे तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि ये छोटी जाति के थे या फिर इनको लड़ना नहीं आता होगा। अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो हमको ये बात समझ में आएगी कि वीवीआईपीओं के आसपास रहने वाले लोग बेहतरीन कमांडोज हुआ करते थे। तो सरगरा जाति के लोग अगर इस हीन भावना से ग्रसित हैं कि वो क्षत्रिय नहीं थे तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जी नहीं, यदि इनका इतिहास महलों में रहने का है, यदि इनका
का इतिहास मनोरंजन के साथ राजा के साथ रहने का है तो जरूरी नहीं कि ये लोग किसी नीची जाति से होंगे, बल्कि यहाँ पर अगर आज के सिनेरियो से तुलना करें तो पता चलेगा महलों में भी बेहतरीन पराक्रमी या उच्च कोटि के योद्धा ही राजा के साथ रहा करते होंगे। ये एक मौलिक प्रमाण है और जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ आगे उन प्रमाणों में, जो सबसे पहला प्रमाण है प्रमाण नंबर एक, प्रमाण नंबर दो, प्रमाण नंबर तीन, प्रमाण नंबर चार, प्रमाण नंबर पांच, प्रमाण नंबर छह, प्रमाण नंबर सात, प्रमाण नंबर आठ, प्रमाण नंबर नौ और प्रमाण नंबर दस। ये दस प्रमाण जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आज आप जान रहे हैं कि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इन दसों प्रमाणों को मैं अपने आने वाले अगले एपिसोड में एक एक प्रमाण को लेकर इन प्रमाणों पर चर्चा करता रहूंगा। और इन प्रमाणों को हमें उपलब्ध कराया है हमारे गुजरात के ही एक सरगरा भाई ने जिनका नाम टाइगर गहलोत है। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी अपने सभी सरगरा जातियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल की प्रमाणिकता को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। तब तक मैं आज वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आज आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए राम राम।